ये चिक्की हमारी बिल्कुल अच्छे से सेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि एकदम आराम से पीसीस अलग हो चुके हैं। ये देखिए है ना कमाल की। ये देखिए मूंगफली की चिक्की बनाने के लिए हम 150 ग्राम अच्छी वाली मूंगफली मैंने ली है और सेम अमाउंट में हमने गुड़ ले लिया है 150 ग्राम। और एक पेन में मूंगफली को हम रोस्ट कर लेंगे। बिल्कुल फ्लेम को मीडियम टू स्लो रख के 5-6 मिनट का वक्त लग सकता है। जैसे छिलके इसके निकलने चालू हो जाए हम उसको उतार लेंगे। ये 6 से 7 मिनट में आप देख सकते हैं इस तरह से छिलके निकलना शुरू हो गया है। आसानी से छिलके निकलने चाहिए। तो यहाँ पे गैस बंद करके इनके छिलके हम निकाल देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद। और मूंगफली के दाने हमने अच्छे से छील लिए हैं, इनके छिलके पूरे निकाल दिए हैं। 4 से 5 चम्मच लेंगे पानी, डाल दिया गुड़ इसमें। और गुड़ को एकदम अच्छे से हमें मेल्ट कर लेना है। और 4 से 5 मिनट का वक्त हो चुका है, फ्लेम को हमने बिल्कुल स्लो टू मीडियम रखा है। तो अब चेक कर लेते हैं कि चाशनी सिरप हमारा तैयार हुआ है कि नहीं हुआ है। अभी गुड़ जो है अंदर जाके बिखर रहा है तो अभी हमें उसको और पकाने की जरूरत है। अभी भी गुड़ हमारा खींच रहा है, आप देख सकते हैं। तो ये कंडीशन में भी अभी हमें मूंगफली नहीं डालनी है, अदरवाइज हमारी मूंगफली की चिक्की क्रिस्पी नहीं बनेगी। एकदम सॉलिड हो जाना चाहिए और शायद 1 से 1.5 मिनट का वक्त लग सकता है। देखिए ये जो है हमारा सिरप बन के तैयार हो चुका है। अभी जो है गुड़ हमारा खींच नहीं रहा है, लंबा नहीं हो रहा है, लेकिन तोड़ने से एक बार टूट जाएगा लेकिन लंबा नहीं हो रहा है। तो ये सही वक्त है हमारी मूंगफली डालने का। और बिल्कुल मार्केट जैसा शाइनिंग लाने के लिए 1 टेबलस्पून हमने ले लिया है ये प्योर देसी घी। फ्लेम को अभी बिल्कुल हमने स्लो ही रखना है। मिक्स करने के बाद एक प्लास्टिक पे हम कुकिंग ऑयल लगा लेंगे और यहाँ का गैस बंद करके यह नीचे उतार लेंगे। और एक प्लास्टिक वापस, इसके ऊपर हमने पहले से तेल लगा लिया है, इसको हल्का सा रोल कर लेंगे। ये प्लास्टिक हम निकाल लेंगे
और इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे, जमने के लिए इसको हम छोड़ देंगे। अब हम इसको अच्छे से सेट होने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए बिल्कुल बाजार और मार्केट जैसी चिक्की, ये देखिए है ना, जो बचपन में हम खाते थे स्कूल में, चार आना आठ आना वाली, अभी तो शायद एक या दो रुपए की मिलती है, बिल्कुल वही चिक्की है, एकदम क्रिस्पी करारी है ना, एकदम क्रिस्पी। दोस्तों अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर करना ना भूलें। ये देखिए इसका क्रिस्पीनेस तैयार है, आप इसका कलर देखिए, ये बैक साइड देखिए, है ना, ये देखिए ये दोनों बाजू से आप देख सकते हैं कितना प्यारा कलर्स और कितना लुक अच्छा है इसका, उतनी ही क्रिस्पी उतनी ही क्रंची मंची मूंगफली चिक्की जैसे मैंने बोला वैसे बनाएंगे, बहुत ही बढ़िया बाजार से कहीं अच्छी आपकी चिक्की बनेगी। और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर करना ना भूलें।